शोभा पोरवाल क्रिएशंस में आज जिस टिप को हम शेयर करने जा रहे हैं वह दिवाली से रिलेटेड है। दिवाली नजदीक आ रही है। दिवाली के समय सभी लोग नई नई मूर्तियां लाते हैं पूजा करने के लिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई मिट्टी की मूर्ति लाता है, कोई चांदी की, कोई सोने की। लेकिन किसी वर्ष अगर इस काम में व्यवधान पड़ जाता है तो 10 तरह की शंकाएं उठती हैं कि क्या यह मूर्ति लाना आवश्यक है, नई मूर्ति प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। आज हम देखेंगे कि मूर्ति बिना लाए हम दिवाली की पूजा कैसे कर सकते हैं। दिवाली की पूजा करने के लिए हमारे घर में देव स्थान में जो गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है उसे हम आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतिस्थापित करते हैं। इसके बाद हम एक पान लेंगे। पान के ऊपर मौली, या देखिए इस तरह से पान लेंगे, इस पर मौली रखेंगे और सुपारी को प्रतिस्थापित करेंगे। गंगा जल से स्नान करके हम सुपारी को प्रतिस्थापित करेंगे पान के ऊपर। इसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत चावल से हम देखिए हल्दी, कुमकुम और ये चावल हमने डाल दिए और फूल चढ़ा दिए इस तरह से। और इसके बाद यह देखिए, उसके बाद हम जिस भी तरह से भगवान की पूजा करते हैं अपने अपने हिसाब से उस ढंग से हम पूजा कर लेंगे। यह देखिए इस तरीके से हम पूजा करेंगे और आप दिए वगैरह जैसे भी लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। और दिवाली पूजन के बाद हमें क्या करना है कि इन मूर्तियों को आप जैसे पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन इस लाल कपड़े वाले आसन पर से उठाकर देव स्थान में फिर से रखेंगे। उस समय इस पान पर से इस सुपारी को उठा लीजिए और उसे इस लाल कपड़े में, मौली सहित इस लाल कपड़े में इसे अच्छी तरह से बांध दीजिए। ये मूर्तियां पूर्व स्थान पर आप इन्हें रख दीजिए और इस सुपारी को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति भी रहेगी। दूसरा तरीका है, ये पंचामृत का सामान है। आपके घर में, सभी के घरों में हर वर्ष मिट्टी की नई मूर्ति लाना कोई आवश्यक नहीं है। सभी के घरों में अलग अलग साइज के एक न एक चांदी का सिक्का होता है जिस पर गणपति और लक्ष्मी जी की फोटो बनी हुई होती है। उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी से निकालिए। इसे सबसे पहले हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद इस गंगा जल को हटा देते हैं हम। अब इनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाने के लिए हमें आवश्यकता है गाय के दूध से बने हुए दही की, गाय के कच्चे दूध की, शहद की, गाय के घी की और गंगा जल की। अब हम इन पांच चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा, जितने में हम सिक्के को स्नान करा सकें हमें उतना ही पंचामृत बनाना है। हम आधा चम्मच दही ले लेते हैं, आधा चम्मच दूध ले लेंगे, थोड़ा सा शहद, 1/4 टीस्पून शहद लेंगे। घी आप नहलाते समय अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके लिए आप ये पिसी हुई मिश्री ले सकते हैं 1 pinch, ज्यादा नहीं डालना है। और गंगा जल थोड़ा ले लेंगे और इन सारी चीजों को मिक्स करके हम पंचामृत बनाएंगे। और इससे हम जो चांदी के सिक्के पर गणपति और लक्ष्मी जी बने हुए हैं उन्हें हम स्नान कराएंगे। यह देखिए, इस पंचामृत को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गणपति और लक्ष्मी जी को इससे हम स्नान कराएंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इन्हें हल्के हाथों से मलकर स्नान कराएंगे और फिर पहले साफ पानी से हम इन्हें वॉश करेंगे। यह देखिए, और फिर गंगा जल मिश्रित जल से हम इन्हें फिर से स्नान कराएंगे। साफ जल से वॉश करने के बाद फिर हम गंगा जल मिश्रित जल से इनको स्नान कराएंगे। यह देखिए, ये हमारा देव स्नान हो गया। अब हम इसे किसी साफ कपड़े से पोंछेंगे। ये हमने इन्हें तैयार कर दिया। अब हमारे मंदिर में जो प्रतिष्ठित देवता हैं गणपति और लक्ष्मी जी, उनके सामने हम इस सिक्के को प्रतिस्थापित करेंगे। ये देखिए, ऐसे प्रतिस्थापित कर देंगे सिक्के को। इसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं उस तरह से रोली, हल्दी, अक्षत, फूल वगैरह
चढ़ा दीजिए और अपने हिसाब से आप जैसे भी पूजा करते हैं, पूजा की कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी इच्छा से जैसे भी पूजा करते हैं उस तरह से भगवान को 5 फल चढ़ाकर और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर पूजा कर लीजिए। पूजा समाप्ति के बाद, दीपावली के त्योहार के बाद, जब भी आप दूसरे या तीसरे दिन इन देवताओं की मूर्ति को अपने देव स्थान में फिर से यथा स्थान पर रखते हैं, उस समय आप इस चांदी के सिक्के को यहाँ से उठा लीजिए और एक लाल कपड़े में इसे बांध लीजिए। लाल कपड़े पर रखने से पहले आपको काम करना है, रोली और हल्दी का जो टीका लगा हुआ है उसे आप साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, यह देखिए, और अच्छी तरह से इस लाल कपड़े में रैप करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे सारा साल आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। हर वर्ष आपको नई मूर्ति लाना आवश्यक नहीं है। जब नेक्स्ट ईयर अगले साल की दिवाली पर जब आप फिर पूजा करेंगे, उस समय तिजोरी में से फिर इस सिक्के को निकालिए, फिर यथा विधि गंगा जल से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, फिर साफ पानी से और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराकर फिर आप पूजा की चौकी पर इसे आप अपने हिसाब से, आप अपने विधि के अनुसार इन्हें प्रतिष्ठित करके पूजा करिए। हर साल आप यह कर सकते हैं। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, यह एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।